तो अच्छा शो है, अच्छे सीन्स आ रहे हैं, करने में मजा आ रहा है। ही अप्रोच मी फर्स्ट, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू मी फर्स्ट, सो आई वाज लाइक नाइस। जी बहुत आसान था इनसे बात करना। हाँ, उस टाइम काफी फाइट हो गई थी करने के लिए। कॉमेडी भी है उसमें, थोड़ा ड्रामा भी है। ईशानी को तनीषा काफी रिलेट कर पाती है। हाय, माय नेम इज तनीषा मेहता। हाय, माय नेम इज नामिक पॉल। एंड यू आर वॉचिंग टेली चस्का। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। आज हमारे साथ हैं नमिक एंड तनीषा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेली चस्का। थैंक यू। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कैरेक्टर को लेकर? कितनी एक्साइटमेंट है? कैरेक्टर को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। मतलब डे वन से आज तक आई एम एंजॉयिंग ईच एंड एवरी सीन, जो भी कर रही हूँ बहुत मज़ा आ रहा है और आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। सेम, वेरी एक्साइटेड कि थोड़े टाइम के बाद आई एम कमिंग बैक। तो अच्छा शो है, अच्छे सीन्स आ रहे हैं, करने में मज़ा आ रहा है। And I can't wait to see कि लोगों को कैसे लगते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा ये था, बिकॉज ही अप्रोच मी फर्स्ट, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू मी फर्स्ट, सो आई वाज लाइक नाइस, फ्रेंडली है, अच्छा है, काम करने में ईजी होगा। जी बहुत आसान था इनसे बात करना। बहुत नॉर्मली जैसे काम के बारे में बात होती है, एक्टर्स की जो बातें होती हैं वो हुई, फिर हमें सीन करना था, वो भी बहुत आराम से निकल गया। इट वॉज ओवरऑल पॉजिटिव इम्प्रेशन। एंड देन क्या था, इम्प्रेशन तो अच्छा ही था। जब से फिर काम पे मिले तो सीधे अच्छा हुआ। प्रोमो, फिर प्रोमो पे मिले, प्रोमो भी अच्छा हो गया, टच वुड सबको अच्छा लगा, सो ग्रेट। टच जैसे कि ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है, आउटडोर आप लोगों ने शूट किया है, तो कितना मजा है, क्या कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे? इतने भी प्रोमो में से कोई एक सीन हो जो आपका फेवरेट? प्रोमो में से यही सीन, यही शॉट सबसे मजेदार था, क्योंकि यही शॉट में बहुत ज्यादा टाइम लगा, बट इट वर्कड आउट एंड इट्स लुकिंग सुपर्ब। हाँ, उस टाइम काफ़ी फाइट हो गई थी करने के लिए, बिकॉज लाइट वाइट का थोड़ा इशू हो रहा था, बट जो जब हुआ वी वर रियली ट्राइंग कि ये निकल जाए, बिकॉज हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा था सोच के कि ऐसे अच्छा लगेगा। एंड थैंकफुली इट हैज़ टर्नड आउट वेल। और ये प्रोमो को एक अलग डायमेंशन देता है कि एंड जो होता है उसमें आपको सोच अच्छा कि ये भी कुछ कॉमेडी भी होगी, रोमांस भी होगा, लड़की इज़ हेल्पिंग द बॉय, सो लॉट्स ऑफ facets in this picture. तो ऐसा लगा था कि कैसे दिखेगा और कैसे लगेगा, बट आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग वेन इट वॉज वी वर शूटिंग, बट अभी जैसे देखा तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मैं आपको एक बताता हूँ कि पहले एक ये भी ऑप्शन था कि ये पूरा मुझे उठा रखा है। हाँ। तो हम ट्राई कर रहे थे एंड तनीषा पहले अपने लेफ्ट हैंड से उठा रही थी, फिर बोलती है कि एक्चुअली सर मैं ना राइट हैंडेड हूँ, राइट हैंड पे करके देखते हैं, एक दो सेकंड तो मैं पकड़ लूँगी। और ये रोड पे शूट हो रहा था, मतलब ठीक है एक दो सेकंड से पकड़ लिया, शॉर्ट भी हो गया, फिर क्या होगा, मुझे छोड़ दोगी जमीन पे? बट वो उनका कॉन्फिडेंस था कि कर लेगी, कर पाती हैं, आई डोंट थिंक। और एक चीज़ है कि मैंने वो पोज में ऐसे पकड़ा था, तो फिर अब मेरा हाथ तो इतना बोलता है कि अरे पकड़ो ना बराबर, मैंने बोला मेरा हाथ इतना ही है। देखिए लव स्टोरी तो हमेशा आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लव स्टोरी आर गुड टू वॉच, दे फन टू वॉच। उसमें यूएसपी यही होगा जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, उनकी कैरेक्टर हिस्ट्रीज हैं, जो हमारी फैमिलीज हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इमोशन रहेगी हमेशा, एक ही चलता रहेगा। कॉमेडी भी है उसमें, थोड़ा ड्रामा भी है, हमारी तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं हमारे, लेकिन फिर उसमें ग्राफ्स भी हैं जहाँ पे थोड़े टाइम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो आपको बहुत सारे फैसेट्स देखने को मिलेंगे एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक एंटरटेनमेंट इज अबाउट। तो इट विल बी अ लव स्टोरी बट ऑल्सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। यस, ओके। रियल और रियल लाइफ की बात करें तो कितना रिलेट कर पाते हैं आप अपने कैरेक्टर? ईशानी को तनीषा काफ़ी रिलेट कर पाती है, क्योंकि दोनों हार्ड वर्किंग है एज यू कैन सी, बट पर्सनैलिटी दोनों की बहुत अलग है। ईशानी बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, उसका सब मतलब एक्सट्रीम लेवल पे है, सो आई थिंक तनीषा वहाँ पे थोड़ी अलग है। हार्ड वर्किंग है, अपनी फैमिली के बारे में केयर करता है, विच आई ऑब्वियसली दोनों आई वुड लाइक टू थिंक आई डू। और गुस्सा उसे बहुत ज़्यादा आता है, मुझे भी आता है, बट इतना तो नहीं आता जितना इस इंसान को आता है, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक आई रिलेट दैट मच। प्लीज़ वॉच लग जा गले 7 फरवरी से शाम 6:30 बजे सिर्फ सिटी हर रोज।